गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आप सबने टाइटल में देख ही लिया होगा कि आज मैं आपको एक छोटा सा होम टूर दूंगी अपने पूरे घर का, और साथ ही में मेरी बेटी का बर्थडे है तो उसके लिए छोटी मोटी जो भी मैंने प्रिपरेशंस करी हैं वो सारी चीजें सब मैं आपसे आज शेयर करने वाली हूँ अपने इस वीडियो में। सो लास्ट तक बने रहें, सारी चीजें इंजॉय करें, और जो अपने घर को हमने छोटी मोटी बजट फ्रेंडली चीजों से जिस तरह से डेकोरेट किया है वो सब भी देखें और खूब इंजॉय करें। सो लेट्स स्टार्ट। और हाँ फ्रेंड्स, आप सब में से जो भी हमसे जुड़े हुए हैं, जो हमें रेगुलर देखते हैं, उन्हें बहुत सारा थैंक्स। और जो अभी तक नहीं जुड़े हैं, जो हमारे सब्सक्राइबर्स नहीं हैं, वो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हम स्टडी रूम से। सो हमारा जो फ्लैट है वो 2.5 BHK है, जिसमें हमें एक स्टडी मिली है 7x7 स्क्वायर फीट की। तो अब इसने छोटे एरिया में हम क्या करें ये हम काफ़ी सोच रहे थे। ऐसा कुछ हम करना चाहते थे जिसमें बच्चों की स्टडीज़ भी हो जाएं और बहुत ज़्यादा एरिया भी कवर ना हो। तो यहाँ पर हमने एक प्रॉपर स्टडी बनवा दी ताकि दोनों बच्चों का अपना सेपरेट एरिया हो, सेपरेट स्टडी के जिनके आइटम्स हैं वो रखने की जगह हो। ये एंट्रेंस गेट है और इसी के साइड में शू रैक है और कुछ प्लांट्स हैं। ये पॉट्स आपने मेरी बंजारा मार्केट वाली वीडियो में देखा ही होगा, और अगर नहीं देखा है तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। और ये मिरर भी मैंने बंजारा मार्केट से ही मैं लेकर आई थी, और क्योंकि बर्थडे है तो थोड़ी बहुत डेकोरेशन करी है हमने। ये हमारा लिविंग रूम है, बहुत ही बजट फ्रेंडली तरीके से हमने अपने घर को सजाया है। ये टीवी यूनिट है जो हमने कारपेंटर से ही बनवाया था, और क्योंकि हम बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं चाहते थे लिविंग रूम का ऑक्यूपाई हो, इसीलिए हमने बहुत ही सिंपल सा टीवी यूनिट बनवाया था। ये डाइनिंग स्पेस जहाँ पे है, यहाँ पे इन्होंने पहले डोर्स वगैरह दी थी और इसको एक छोटा सा वरांडा इन्होंने बनाया हुआ था जब स्टार्टिंग में हमने फ्लैट लिया था। तो ये पूरा स्पेस ताकि थोड़ा सा स्पेशियस हो जाए, हमने यहाँ से सारे वो डोर्स वगैरह हटवा दिए। यहाँ जो वॉल थी वो भी हमने तुड़वा दी थी और इस पूरे एरिया को हमने ओपन कर दिया था। सो ये फ्रेंड्स मेरा किचन है, और डिनर की सारी तैयारी मैंने कर ली है ऑलरेडी। और चलिए देखते हैं कि आज की पार्टी के लिए मैंने क्या क्या बनाया है। तो सबसे पहले ये है रायता, बूंदी रायता, जो कि मेरी बेटी का फेवरेट है। ये है प्लेन पुलाव, जो लोग नॉन वेज नहीं लेते उनके लिए। ये है गोभी फ्राई, गोभी मटर फ्राई कह लीजिए इसे आप, क्योंकि कुछ फ्रेंड्स हमारे जो हैं वो नॉन वेज नहीं लेते हैं तो उनके लिए मैंने वेज भी बनाया है। ये है चिकन करी, चिकन कोरमा कह लीजिए। ये है कढ़ाई पनीर, जो कि मेरे बेटे का फेवरेट है, ये हम सभी को इनफैक्ट काफी पसंद है। और ये है बिरयानी, तो बिरयानी भी पूरी तरीके से रेडी है।
सो हमारे कुछ फ्रेंड्स वेजिटेरियन हैं, कुछ नॉन वेजिटेरियन हैं, तो मैंने दोनों के लिहाज से सारी चीज़ें दोनों चीज़ें ही बनाई हैं। और फ्रूट कस्टर्ड फ्रिज में रख दिया है मैंने ठंडा, थोड़ा सा ठंडा होने के लिए, और पार्टी के पहले मैं उसे निकाल दूँगी ताकि वो थोड़ा सा नॉर्मल रहे, बहुत ज़्यादा चिल्ड ना हो। एंड ऑब्वियसली सैलेड और रोटी वगैरह की प्रिपरेशन हम उसी टाइम करेंगे। अब बच्चों की फ्रेंड्स आने ही वाले हैं तो इसीलिए मैं अब जा रही हूँ थोड़ा से स्नैक्स बनाने की तैयारी करने के लिए, जैसे कि पास्ता, ब्रेड पकौड़ा, जो सारी चीज़ें बच्चों को पसंद होती हैं, तो वो ज़रा स्नैक्स में बनाने की अब मैं प्रिपरेशन करने जा रही हूँ आपको होम टूर कराने के बाद। ये यहाँ पे एक छोटा सा हमने हैंड वॉश के लिए एक सेटअप बनवाया था। सो, यहाँ पे ये डाइनिंग एरिया है तो काफ़ी लोगों को इजीली यहाँ पे हैंड वॉश लोग कर सकते हैं। और ये इस वैनिटी के अंदर हमने सारे फर्स्ट एड का सामान रखा हुआ है, या जो भी टॉयलेट्रीज होती हैं उनके सामान हमने रखा है। ये सारे जो शेल्स वगैरह जो मैंने लगाए हुए हैं इनका प्रॉपर डिस्क्रिप्शन मैंने अपने 5 बजट फ्रेंडली आइडियाज़ वाले वीडियो में दिया हुआ है, अगर आपने वो भी नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं। हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि हम गेस्ट वगैरह के आने के पहले ही या बच्चों के फ्रेंड्स के आने के पहले ही सारी चीज़ें करके रख दें, ताकि जब सब लोग आ जाए तो हम सबके साथ इंजॉय कर सकें। अब चलते हैं हमारे गेस्ट रूम की तरफ, या उसे बच्चों का रूम भी कह लीजिए। तो ये हमारा सेकेंड रूम है, हम लोग रेड रूम कहते हैं। यहाँ पे हमने कबर्ड्स भी रेड बनवाई थी और बेड भी हमारा हल्का आई थिंक रेड के ही इसमें है, तो इसमें हमने थोड़े से रेड के शेड्स में इसको पेंट कर दिया था। ये प्रॉपर गोल्डन और ब्राउन में था तो हमने इसे थोड़ा सा रेडिश लुक दे दिया था। ये जो बालकनी है इस रूम में, इसका कंप्लीट टूर आपको मेरी बेटी के चैनल पे मिल जाएगा, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है तो आप वहां से चेक कर सकते हैं। ये इस रूम का अटैच्ड वॉशरूम है जो इस रूम के साथ ही है। ये जो डेकोरेशंस, वॉलपेपर्स और ये लैंप्स वगैरह आप देख रहे हैं, इन सब के बारे में मैंने आपको अपने 5 बजट फ्रेंडली आइडियाज़ फॉर होम डेकोर में बताया है, तो वो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहां से चेक कर सकते हैं। ये वॉशरूम था जो बेडरूम के साथ अटैच्ड है, वेल प्रॉपरली अटैच नहीं है, वो थोड़ा सा बाहर में है। और ये हमारा बेडरूम है जिसपे जो बेड है ये पूरी ब्लैक थी और हमने इसको वाइट पेंट किया है। ये वॉलपेपर भी हमने खुद ही लगाया है एंड छोटे मोटे डेकोरेशंस किए हैं इसमें। तो क्योंकि इसकी कबर्ड वाइट थी और जो हमें साइड टेबल्स मिली थी वो भी वाइट मिली थी, तो हमने बेड को भी वाइट पेंट कर दिया। और इसी के साथ अटैच्ड ये बालकनी है। सो बालकनी में ही हमारा सारा वॉशिंग एरिया है, इनफैक्ट कपड़े वॉश करने हो चाहे बर्तन वॉश करना हो, सारा जो सेटिंग है वो हमने बालकनी में ही रखी है। सो फ्रेंड्स, ये था मेरे घर का पूरा होम टूर, आई होप आप सबने इंजॉय किया हो। सो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड कीप वॉचिंग। बाय, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।